किले के ताल्लुक से तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि शहर में काफ़ी लोग किले के ताल्लुक से अपने अपने तौर से बयानात दे रहे हैं, अपने अपने ताल्लुक से लोग अपनी राय रख रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है कि भाई किले के ताल्लुक से हमने एक कमेटी बनाई है, जिसमें झोपड़पट्टी के 22 लोगों की कमेटी है हमारी, और 22 लोग पूरे कमेटी में हैं। तो किले के ताल्लुक से अगर जिस किसी को भी सियासी लोगों को कुछ बयान देना है तो वो आके पहले कमेटी से समझ लेवे और कमेटी से वो पेपर ले लेवे कि भाई क्या बयान देना चाहिए। क्योंकि हाल ही में रामदास बोरसे बस्ती हटाने के ताल्लुक से लोक आयुक्तों में गया था, ये 2020 कोरोना के दौर में या उससे पहले। तो हम लोग कोरोना ख़त्म होने के बाद हम लोग भी लोक आयुक्तों में बस्ती वालों को लेके, बस्ती के कुछ आदमियों को मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व करके हम लोक आयुक्तों में गए। जाने के बाद काफ़ी सारी उसके अंदर चर्चा चली, केस के अंदर हमने जलील वकील जो है, जो ज़मीन जामा मस्जिद के ऊपर, उनको हमने उसके अंदर अपॉइंट किया, क्योंकि काफ़ी ज़मीन के ताल्लुक से उनको मालूमात है और ज़मीन के ताल्लुक से उनको जानकारी है। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमने जो डॉक्यूमेंट, हमने जो पेपर उन लोगों को जो दिया, जैसे हमने 1937 से पूरे ये महसूल विभाग की कितनी जगह है ये पहले हमने पेपर निकाले, और हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का झोपड़पट्टी एक्ट कानून क्या है, 2012-17 में क्या अमेंडमेंट हुआ, ये सब हमने पेपर निकाले। उसके बाद हमने उनके पास दिया, तो काफ़ी साल डेढ़ साल हमारी लड़ाई चली। उसके अंदर कलेक्टर आए गए, तो उसमें माशाल्लाह कोर्ट ने बहुत अच्छा हमको पर्याय दिया। कोर्ट ने पहला ऑप्शन हमको दिया था कि भाई कॉरपोरेशन को कि भाई तुम इनका कानून के हिसाब से पुनर्वसन पहले करो, फिर हटाने की बात करो। तो ये कलेक्टर को और कमिश्नर को, दोनों को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा। तो दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद दोनों से कहा कि भाई जो झोपड़पट्टी सलम एक्ट कायदे में ये लोग बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, और कितने झोपड़े हैं, तुम सर्वे करके लाओ। तो इन्होंने पूरा सर्वे वगैरह किया, कलेक्टर की टीम ने, कॉरपोरेशन की टीम ने। पूरा सर्वे करने के बाद में 365 झोपड़े जो थे, वो 365 झोपड़े का जो था, हमने जो जीआर दिए थे, हमने जो मांगनी की थी कि भाई हमको जगह पे पुनर्वसन करके दो ये जीआर के हिसाब से, तो पहला इन्होंने मीटिंग में ऑप्शन लाया आप घरकुल में चले जाओ। घरकुल में इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं कि भाई टोटल झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लेबर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, सब झोपड़पट्टी में, मतलब कुछ बच्चे वहाँ म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में इधर उधर जाते हैं। घरकुल में हमने पहले ही लोक आयुक्त को भी और कलेक्टर को भी बोला कि भाई वहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, ना वहाँ आने जाने का कोई साधन है, ना वहाँ कोई स्कूल मदरसा या कोई चीज़ भी नहीं है वहाँ पे। हम लोग मजदूरी गाँव में करने आएंगे, हमारा 200-300 रुपये का हम काम करते हैं, वहाँ आने जाने का खर्चा 400-500 रुपये लग जाता है। तो उस पर सेकेंड ऑप्शन लोक आयुक्तों ने इनको बोला कि भाई इनको ये जीआर के हिसाब से जगह पे पुनर्वसन करके दो, किले का पूरा लेआउट बना के लाओ तुम, किले का पूरा लेआउट। और पहली चीज, एक जो रामदास बोरसे बार बार जो बोल रहा है कि भाई किले की जगह का, किले का सुशुषीकरण करना है, किले की जगह को ये लोग नुकसान कर रहे हैं, और ये लोग जो है किले की जो ज़मीन है उसको ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पहली बात, रामदास बोरसे की स्टडी कम है, या रामदास बोरसे को मालूमात नहीं है, या वो जान के अनजान बन रहा है और शहर का लॉ एंड ऑर्डर वो ख़राब कर रहा है। इसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने और शासन ने, जब एक मामला कोर्ट में है वो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, गुनाह दाखिल करना चाहिए। शासन की जो ज़मीन है, ये 22 एकड़ ज़मीन है टोटल, ये अल्लामा पुल के कोने से ले कर सरदार चौक तक की ज़मीन है, ये पूरी शासन की, ये लोक आयुक्तों तो का है ना, ये लोक आयुक्तों तो का है ये कागज़। इसमें पूरी शासन की ज़मीन कितनी, क्या इसके अंदर किले की बाउंड्री क्या है,
ये हमने कोर्ट में सिद्ध किया है कि किला झोपड़पट्टी जो है वो पुरातन विभाग की जगह पे नहीं है, किला झोपड़पट्टी जो है वो शासन की ज़मीन पे है। ये ऑर्डर में कोर्ट ने भी माना है कि भाई हम शासन की ज़मीन पे है। और ये जो दूसरा पेपर है मेरे पास, ये उर्दू में मैंने ट्रांसलेशन किया हुआ है ना, ये ज़मीन जो किले की पुरातन विभाग की है, इसकी एक बॉर्डर लाइन है जो पुरातन विभाग को जो दी गई है जगह, इसकी बॉर्डर लाइन ये है कि भाई किले की जो जगह है वो खंदक उसकी बॉर्डर है और झोपड़पट्टी जो है खंदक के बाहर है, वो शासन की ज़मीन है, उसके ऊपर जो भी कानून बैठता है महसूल विभाग गवर्नमेंट शासन का बैठता है, और हुकूमत जो भी हमारे ताल्लुक से और कोर्ट ने जो भी हमारे ताल्लुक से सोचा है कि भाई हम घरकुल में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हमको सेकंड ऑप्शन जो कमिश्नर और कलेक्टर से 19 करोड़ रुपये का एक एस्टिमेट मंगाया कोर्ट ने कलेक्टर और कमिश्नर से, वो 19 करोड़ रुपये में झोपड़पट्टी धारक को पूरा लेआउट बना के, और वो कॉरपोरेशन ने लेआउट भी बनाया है लोक आयुक्तों के बोलने पे, हमको जगह पे डेवलप करके देना। ये 2012 और 17 का GR है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। हमको कानून के खिलाफ नहीं जाना है, कानून ने जो झोपड़पट्टी धारकों को सुविधा दी है वो सुविधा के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों को हर एक स्टेट के अलग अलग कानून के हिसाब से जैसी सुविधा मिलती है, किला झोपड़पट्टी वालों को भी वो सुविधा मिलना चाहिए। आज काकानी स्कूल से पहले से ये झोपड़पट्टी है और ये झोपड़पट्टी काफ़ी 60-70-75 साल से झोपड़पट्टी है, तो इनका पुनर्वसन होना चाहिए। इनको किले के लोगों की और किला झोपड़पट्टी पर रहने वालों की जो डिमांड है कि इनको जगह पर डेवलप करके देना। अगर हुकूमत, जैसे पहला ऑप्शन तो हमको नहीं मंजूर है, हमको घरकुल में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है, किला झोपड़पट्टी वालों की मांगनी है कि हमारे बाप दादा बच्चे यहीं पढ़ते हैं, हमारा व्यवसाय यहीं है, हमारी रोज़ी रोटी यहीं है, तो हमको यहीं चाहिए। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, अगर हमको हुकूमत और कोर्ट बोलती है कि भाई जो तीसरा ऑप्शन हमको दिया है ऑर्डर में, उसकी कॉस्ट 35 करोड़ रुपया बताई गई है, वो 35 करोड़ में हमको कुछ एकड़ ज़मीन लेके सिटी के करीब में हमारा पुनर्वसन करना, तो ये मेरी ज़ाती राय है कि ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मीटिंग लेऊंगा झोपड़पट्टी धारक के जो हमारे लोग हैं उनकी मैं राय मशवरा करूंगा। अगर वो बोलते होंगे कि ये थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास, जो मेरे दिमाग में आया है, ये मेरी खुद की ज़ाती मांग है कि भाई 22 एकड़ में से जो बड़ी बाज़ार है, ये बड़ी बाज़ार की जो जगह है वो भी लीज़ की कलेक्टर की जगह है, 22 एकड़ में से है, तो उनकी लीज़ भी ख़त्म हो चुकी है और ये जगह 10 से 12 एकड़ खाली जगह है पूरी, कुछ खाली जगह है, कुछ पे नीचे जो है सब्जी मंडी वालों को बैठाया गया है। तो मुंबई सिटी में, पूना में काफ़ी जगह पे ऐसी जगहों पे डेवलप करके दिया है। मेरी मांग ऐसी है कि भाई एक गवर्नमेंट का उत्पन्न भी बढ़ेगा, एक गवर्नमेंट का या कॉरपोरेशन का, कॉरपोरेशन ने लीज पे लेना और हुकूमत को डिमांड करना कि भाई जो नीचे सब्जी वाले या जितने भी दुकान वाले हैं ऑलरेडी जिनकी नोंदनी है, इनको नीचे शॉपिंग बना के देना और उसके ऊपर जो भी 3 मंजिला 4 मंजिला जो भी अपने यहाँ पे जो भी TP एक्ट के हिसाब से मंजूर है उत्तम मंजिला बना के यहाँ पे बिल्डिंग बना के ऊपर झोपड़पट्टी धारकों को फ्लैट बना के देना, जो आज की तारीख में मुंबई में पुणे में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना के लोगों को दे रही है स्लम एरिया वालों को। तो ये मेरी भी डिमांड है कि भाई इनको जो झोपड़पट्टी धारक है वो जो बेचारे, उनको यहाँ पे, ये मेरी खुद की ज़ाती राय है, अभी मैंने उनसे बात नहीं की, अगर उनको मंजूर रहेगा तो हमको जो कोर्ट ने तीसरा ऑप्शन दिया है लोक आयुक्तों ने, तो हम उस पर भी जाएंगे कि भाई हमको यहाँ पे बना के दो, वहाँ पे जगह खरीदना भी नहीं पड़ेगी और वो खाली जगह है, वहाँ पे नीचे सब्जी वाले हैं जो भी है, इनको भी हो जाएगा, उनका भी पुनर्वसन हो जाएगा और झोपड़पट्टी धारकों का भी पुनर्वसन हो जाएगा, उनके भी बाल बच्चे वो लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और हमारे पंत प्रधान मोदी जी का सपना है कि भाई झोपड़पट्टी धारक जो है वो झोपड़पट्टी में नहीं रहे। आज
बीजेपी और शिंदे सरकार की हुकूमत है, तो मेरी उनसे भी मांगनी है कि हमारे माननीय पंत प्रधान जी का जो सपना है कि भाई कोई झोपड़पट्टी धारक नहीं रहे, सभी को अपना मकान और अपना घर मिले, तो हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए जैसे मोदी जी आज बोल रहे हैं कि हम वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम अल्पसंख्यक लोगों का मोदी जी ने विश्वास लेना चाहिए। मोदी जी ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोच के जो मैंने मेरी राय रखी है, अगर हमारे लोग को मंजूर होगा तो वहाँ पे इनको फ्लैट बना के देना चाहिए, या तो जगह पे जो है इनको डेवलप करके देना चाहिए, ऐसा लोक आयुक्त ने बोला है। और तीसरी चौथी चीज़ ये है कि भाई लोक आयुक्त ने क्लियर शब्द में ऑर्डर के अंदर बोला है कि जब तक के बस्ती वालों की मर्जी के बिना इनका पुनर्वसन नहीं करते हो, वो बस्ती को वहाँ से नहीं हटाना, ये ऐसा ऑर्डर में दिया है। उन्होंने इंग्लिश में एक ऑर्डर भी किया है, आप लोगों को मैं वो ऑर्डर की भी कॉपी दूंगा, है ना, तो वो ऑर्डर भी देख लेना आप। और पहली बात, जो रामदास बोरसे बार बार चिल्ला रहे कि भाई पुरातन विभाग पुरातन विभाग, तो पुरातन विभाग की जो जगह वो है ही नहीं, वो शासन की ज़मीन है और उसके ऊपर शासन का GR लागू होता है। 2012 और 2017 का जो GR है वो चाहिए तो मैं आप लोग को GR भी दे दूंगा, उसमें जगह पे पुनर्वसन करके देना है, या तो दूसरी तरफ उनको, उनको अगर मर्जी रही तो दूसरी तरफ पुनर्वसन करके देना है, तो मेरी यही डिमांड है। और रामदास बोरसे जो ये वावेला मचा रहा है, अगर वो बोलता है वाकई सच्चे दिल से अगर वो बोलता है और किसी के फिरका परस्तों के कहने पे अगर वो नहीं चल रहा होगा, वाकई उसको किला और तारीखी चीज़ की उसको मोहब्बत है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये 1961 में ये काकानी स्कूल का करार हुआ है, काकानी स्कूल का करार हुआ है। इस करार के मुताबिक इसके अंदर जो है कम से कम 22 से 24 अट्टी शर्तें डाली गई है जो इनको लीज पे दिए थे। 1961 में पुरातन विभाग का कानून लागू नहीं था, उस वक्त तो कलेक्टर के हाथ में ये जगह होती थी, उस वक्त तो वो कानून नहीं बना था, तो उस वक्त तो कलेक्टर ने इनको परमिशन दिया था काकानी स्कूल को। अब उस वक्त तो उनको एक लिमिट दी गई थी कि भाई इतने क्षेत्रों में तुम स्कूल बनाएंगे, उस वक्त उन्हें इन लोगों ने उतने क्षेत्रों में स्कूल बनाई और उनको क्लियर कट अटी शर्ती में बोला गया था कि भाई दरगाह के ऊपर जाने से तुम रोक नहीं सकते, ये ओपन पे किसी को यूज़ करने से तुम रोक नहीं सकते, ये किले के अंदर की बात है जो पुरातन विभाग की जगह है, इसके अंदर क्लियर कट ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो उस ऑर्डर के हिसाब से ये लोगों ने जितनी किले के अंदर तोड़ फोड़ की है, हुकूमत आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक भी ऑर्डर इन्होंने फॉलोअप नहीं किया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को डैमेज किया है किले को और सबसे ज़्यादा अगर तोड़ फोड़ की है तो वो काकानी स्कूल ने की है, ना कि किला झोपड़पट्टी वालों ने। किला झोपड़पट्टी पहले किला है, किले की दीवार है, फिर खंदक है, खंदक के बाहर किला झोपड़पट्टी है और वो शासन की ज़मीन के ऊपर है। तो मेरा बोलना है अगर वाकई वो सीरियस है रामदास बोरसे, तो सबसे पहले मेरे पास उतारे है काकानी स्कूल की खुद की अपनी जगह है जहाँ पे कुत्ते लौट रहे हैं और काफ़ी बड़ी जगह है कैम एरिया में, वो चाहे तो अपनी खुद की भी स्कूल बना सकते हैं। किले के सुशुषीकरण के लिए ये लोग अगर वाकई सीरियस है तो ये लोग किला खाली करके स्कूल खाली करके वहाँ पे अपनी स्कूल बना ले और अंदर किले का सुशुषीकरण होना चाहिए, हम भी उसके खिलाफ नहीं है। और इसके ऊपर राजकारण जो फिरका परस्ताना जो राजकारण हो रहा है कुछ लोगों को जमा करके, और कुछ जो लोग रैली के अंदर थे जो अनलीगली तरीके से जो अंदर जो भी परेड करते हैं या जो भी करते हैं, वो कलेक्टर ने जो है बच्चों के लिए दिए जगह स्कूल के लिए, वो भी लीज के ऊपर कंडीशन के ऊपर, ना के दूसरों की एक्टिविटीज़ के लिए वो जगह दी गई है, मगर वहाँ पे अलग ही एक्टिविटीज़ होती है। तो मेरा बोलना है कि भाई हम स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं है, ना किसी के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है, अगर रामदास बोरसे जैसे को ऐसे लोग लगवा के और इनसे गलत काम और शहर का वातावरण अगर ख़राब करना चाहेंगे, तो 5 साल पहले मैंने नगर सेवक मेरे वार्ड में जब मैं था
तो मेरी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, ऐसे काफ़ी फिरका परस्तों को यहाँ से निकाल के साधारण मैंने वहाँ पे स्कूल चलने दिया था, और किले की पूरी पूरी सुशोषीकरण का मैंने वहाँ पे ध्यान दिया था, वहाँ कोई अनलीगली काम ना होए। मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, अनलीगली तोड़ने का ऑर्डर भी हुआ, काफ़ी सारे उसके अंदर मामलात भी हुए, मगर अकेला मैं कहाँ तक के लड़ता, पूरे प्रशासन से, कलेक्टर से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कॉरपोरेशन से, सबसे लड़ा मैं। मैंने महसूल विभाग को, पुरातन विभाग को, ग्राम विकास को, जिला एसपी को, कलेक्टर को, सभी लोगों को मैंने उस वक्त, तो जब किले के अंदर नुकसान कर रहे थे ये लोग, तो मैंने सबको आगाह किया, मगर किसी ने भी इस ज़मीन के ताल्लुक से एक्शन नहीं लिया। काकानी स्कूल के लोग और जो कुछ लोग एक्टिविटीज़ जो करते हैं अंदर, उन लोगों ने काफ़ी तोड़ फोड़ करके किले की पूरी सुशोषीकरण को ख़राब कर दिया। आपको क्या लगता है, अगर वो वक्त में अगर सब सियासी पार्टी आपका साथ देते हैं, तो आज ये मुद्दा उत्तर था पड़ पट्टी के तारे से? नहीं, मेरा तो बोलना है सभी, देखो ये जो मामलात है वहाँ पे अगर तुम गौर करोगे तो सभी सियासी पार्टी के लोग रामदास बोरसे के साथ जुटे थे उधर की। तो मेरे डिमांड ये है कि भाई यहाँ के भी जो सभी सियासी लोगों ने, जिनके अपने जो भी इख्तलाफ होंगे वो ख़त्म करके आज जो है झोपड़पट्टी की जो लड़ाई है, वो सभी लोगों ने मिल के झोपड़पट्टी धारकों का साथ देना चाहिए, और सभी सियासी पार्टी ने एक हो के आना चाहिए, हुकूमत से डिमांड करना चाहिए, लड़ना चाहिए, मानना चाहिए और मनवाना चाहिए, और कोई मुश्किल मुकाम नहीं है। आज उनको जगह पे भी पुनर्वसन करके दे सकते, या मेरी जाती राय जो मैंने रखी है बड़ी बाजार वाली, उसके ऊपर अगर शहर के लीडर लोग अगर जुट के और मिल के अगर ये चीज़ के ऊपर ध्यान दिए, तो एक झोपड़पट्टी धारक का बहुत अच्छा एक पुनर्वसन भी हो जाएगा, और एक अपने शहर के अंदर काफ़ी ऐसी जगहें हैं, अगर इनको ऐसे तरीके के फ्लैट मिल जाते हैं और गांव के जंगल के किनारे अगर लोगों को नहीं जाना पड़ता है, तो हर कोई यही डिमांड करेगा कि भाई झोपड़पट्टी ख़त्म करो और हम लोगों को ऐसे फ्लैट बना के दो। यही मेरी इतनी डिमांड और मांग है, और पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई एडिशनल साहब और जिला एसपी साहब से कि भाई ऐसे जो लोग शहर के वातावरण जो चीज़ सोई हुई थी उसको जगा दिए, जिसका एक मैटर लोक आयुक्तों में चल रहा है, रामदास बोरसे जैसे लोग जो वातावरण खराब कर रहे हैं, इनको एक नोटिस दे के इनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, कि जब कोर्ट इस पर ऑर्डर कर चुकी है तो तुम सियासत क्यों कर रहे हो। कोर्ट बोल चुकी है कि भाई झोपड़पट्टी धारक को तुम यहाँ से उनकी मर्जी के बिना नहीं हटा सकते, और ये किले की लड़ाई के आड़ में अपनी दुकान ना चलाए, वो ये शासन की ज़मीन पे और शासन का जीआर उसके ऊपर लागू होता है। रामदास बोरसे जैसे जो लोग हैं वो अपना फितना फसाद जो है अपने इधर, अगर उसको इतनी हमदर्दी है तो अपने एरिया में भी काफ़ी लोग बेचारे तकलीफ में है, हमारे हम वतन भाई लोग, उनका पुनर्वसन करे। नदी में बसे हैं, नदी किनारे बसे हैं, कैंप में बसे हैं, इनके लिए झोपड़पट्टी धारक के लिए हमारे यहाँ के लीडरान और हम लोग जो है उनके लिए एक्टिव है, इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे, और हुकूमत से हमको पूरी पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हमको जो और लोगों का मुंबई, पूना, नासिक जहाँ पर पुनर्वसन हुआ है, हमारा भी अच्छी तरीके से पुनर्वसन करेंगी वो। इतना ही मैं बोल के अपनी बात ख़त्म करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो मेरे कमेटी के लोग को भी लाऊंगा। ये मेरा जाती बयान था, ये मेरी मेरी जो कमेटी है 22 लोगों की, वो कमेटी का बयान नहीं था, ये मेरी खुद की जाती राय है, ना कि मेरी ये जो झोपड़पट्टी की कमेटी है उनकी राय है, ये मैंने मेरे अपने ख्यालात रखे हैं। बस इतना ही बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ।